जौनपुर में अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई। अब इसे इत्तेफाक कहें या विधि का विधान, इसका बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह की राजनीति पर ही ग्रहण लगता दिख रहा है। क्या इससे ये भी समझा जाए कि बाकी पार्टियों के लिए और खासतौर पर बीजेपी के लिए राहें जौनपुर में आसान हो गई है? क्या सच में ऐसा है या फिर अभी सियासी समीकरण और बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अचानक बदला जौनपुर का राजनीतिक समीकरण। धनंजय सिंह के जेल जाने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण भी बदलता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह है तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह। जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह की अपनी एक ताकत है जिसके दम पर वो विधायक और सांसद बनते रहे हैं, लेकिन अचानक से बदले समीकरण ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह अपने लाल लश्कर के साथ मंगलवार को सुबह जौनपुर पहुंचते हैं। शाम होते होते 3 साल 10 महीने पहले इंजीनियर अभिनव सिंगल अपहरण मामले में बाहुबली धनंजय सिंह को अदालत दोषी करार दे देती है और दूसरे दिन 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई। इस तरह देखते ही देखते समय का पहिया ऐसा घुमा कि चुनावी तैयारी कर रहे धनंजय सिंह सीधे जेल पहुंच जाते हैं। हालांकि यहां ये भी जानना जरूरी है कि कोर्ट की तरफ से 1 महीने पहले की ही तारीख दी गई थी, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि मामले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। धनंजय सिंह की सजा से क्या श्रीकला को मिलेगी सहानुभूति? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद जब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी उनसे मिलने जेल पहुंची तो उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी सामान्य गृहिणी की नहीं बल्कि एक सियासी नेता की तरह दिख रही थी। श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और दक्षिण भारत की एक बड़े राजनीतिक और व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी तेलंगाना के विधायक रहे हैं। धनंजय सिंह से मुलाकात के बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने उनके समर्थकों से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके नेता को आपके सहानुभूति की जरूरत है। इससे एक बात तो साफ है कि धनंजय सिंह की सजा श्रीकला सहानुभूति में तब्दील करना चाहती है। जौनपुर में बीजेपी के लिए कितनी आसान हुई राह? जौनपुर की सियासत पर नजर रखने वाले राजनीतिक जानकार कहते हैं कि धनंजय सिंह का अपना एक दबदबा है और उनकी अपनी लोकप्रियता है, खासकर ठाकुर समुदाय के बीच मजबूत पकड़ उनकी मानी जाती है। ऐसे में अगर निर्दलीय वो चुनाव लड़ते हैं तो जौनपुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता था और सपा से उतरने से सीधा मुकाबला हो सकता था। हालांकि अब उन्हें 7 साल की सजा हुई है और वो जेल भी भेज दिए गए हैं, जिसके बाद अब उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सपा अगर श्रीकला को प्रत्याशी बनाती है तो फिर जौनपुर में बीजेपी के लिए सीट निकालना आसान नहीं होगा। जौनपुर लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की सियासी समीकरण को देखें तो क्षत्रिय, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित समुदाय के वोटर निर्णायक है। क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट पर यादव और ठाकुर बराबर की संख्या में है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के तहत श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी क्योंकि दलित, मुस्लिम और यादव मतदाता एकजुट थे। सपा की टिकट पर श्रीकला अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर यादव, मुस्लिम और ठाकुर वोटों के समीकरण बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए टेंशन बढ़ा सकते हैं।